नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। जालौन पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए शातिर बदमाशों के पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल हुई बरामद। कोतवाली पुलिस व SOG एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, जालौन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की 13 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। वहीं जालौन के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया गिरोह मोटरसाइकिल चोरी के करके एक जगह इकट्ठा करते थे तथा पकड़े जाने के डर से उन मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदलकर बेच देते थे। फिलहाल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, ये एक बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई थाना उरई की पुलिस ने की है। इन 5 लोगों में से 4 थाना उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जालौन का रहने वाला है। इन सभी लोगों के पास से कुल 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और इन बाइकों पे इन लोगों ने कुछ के नंबर प्लेट्स भी सिमिलर रखे हुए थे, और ये उनका उद्देश्य मुख्यतः गाड़ी की पहचान छुपाना और गलत रूप से गाड़ियों की चोरी करके उनको अवैध धनार्जन के लिए अलग अलग जगहों पे बेचना था। इस गैंग को पकड़ के इनके खिलाफ आगे की निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा और इस तरह से अग्रिम विधि कार्रवाई करते हुए गैंग का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। सर, इनका नेटवर्क वाली टीम को कुछ लगा नहीं है ना? इनका नेटवर्क जो है सर, वो कहाँ कहाँ फैला था, अंतर्राज्यीय कहाँ कहाँ? देखिए, ये एक काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी गण है। इन लोगों ने पड़ोसी जनपदों में, पड़ोसी राज्य में, इसमें जो एक मोटरसाइकिल मिली है वो मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट भी उसमें पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी शातिर गिरोह है। कुछ गाड़ियों को झांसी में के मुकदमों से भी कनेक्ट किया गया है, वहाँ से भी इन लोगों ने चोरियाँ की हैं। तो ये काफ़ी एक सक्रिय अपराधियों का गिरोह है और इसलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई। सर, क्या गिरोह के सारे सदस्य पकड़े जा चुके हैं? 5 लोग पकड़े गए हैं, एक अभी कल्लू मिश्रा फरार। सर, कैसी ये घटना को अंजाम देते? ये बाइकों को चोरियाँ करते थे, फिर एक जगह लाके उनको छुपा के रखते थे, फिर कस्टमर ढूंढते थे और ढूंढने के बाद उनको अलग अलग देहात क्षेत्रों में, रिमोट क्षेत्रों में जाके बेचते थे। एक नंबर की 3 गाड़ियाँ हैं। मैंने जैसा बताया कि इन लोगों ने गाड़ियों की पहचान छुपाने के लिए और गलत कागज़ पे उस गाड़ियों को निकालने के लिए नंबर प्लेट सेम रखे हुए थे और इसीलिए इसमें उपयुक्त IPC की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं इस मुकदमे। सर, खुलासा करने वाली कोई टीम को इनाम? पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।